प्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस के बारे में बात करनी होगी बाइडन बाबू ने अपना नाम पीछे ले लिया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स रेस ये जो इलेक्शन होने वाले है नवम्बर मंथ में इन यूएस तो वहां से उन्होंने अगेंस्ट ट्रम्प अपना नाम पीछे ले लिया है बट उन्होंने कमला uh, हैरिस uh, जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी यूएस की उनका नाम एंडोस कर दिया है सो so, अब मतलब आशा करेंगे कि वो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी में सारे डिस्कशंस करने के बाद ये ना, नाम प्रपोज हुआ है कमला हैरिस uh, का uh, क्योंकि अगर वैसा नहीं है फिर वहाँ पे पावर स्ट्रगल एंड ऑल दोज थिंग्स क्योंकि समय बहुत कम बचा है अभी एंड नाउ दे नीड अ क्लियर कैंडिडेट सो so, अब और जल्द ही मतलब ऑफिशियल जो होगा वो पता चल जाएगा बट अब अगर मिस्टर प्रेसिडेंट ही बोल रहे कि भाई इन्हीं को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ तो शायद अब उनको अपोज करना भी मुश्किल हो सकता है बट यहाँ पे क्लियर एडवांटेज जो है डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ रहा है पहले भी अगेंस्ट जो बाइडेन वो एडवांटेज नजर आ रहा था आफ्टर दैट असासिनेशन अटेम्प्ट वो जो एडवांटेज था वो और ज़्यादा बढ़ गया था अब यहां पे कैंडिडेट ने अपना नाम पीछे लेना ये भी एक एडवांटेजियस पोजीशन ट्रम्प के लिए हो सकती है अब अब उसके बाद अब जब नेक्स्ट कैंडिडेट का ऑफिशियल नाम डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आ, देखना पड़ेगा एंड हाउ दो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा अभी आप बोलोगे इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है वी नो दैट हाउ मिस्टर ट्रम्प इज अगेंस्ट द ट्रेड थिंग्स स्पेसिफिकली अगेंस्ट चाइना वगैरह वो ट्रेड वॉर्स वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है सो uh, so उस एंगल से uh, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड uh, पे आती हुई नज़र आ रही है एंड दैट्स वाई अब इसके साथ साथ इस वीक में यूएस uh, एस के जीडीपी के एस्टिमेट्स भी आएंगे सारे नंबर्स भी सामने आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें है जिन पर नजर रखने जैसा है पी एम आई नंबर भी आ जाएंगे धीरे धीरे सो ऑल क्वाइट इंटरेस्टिंग बाकी अगर वर्ल्ड uh, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो वो ये है कि ब्रेंड uh, क्रूड के प्राइसेस जो है वो एटी डॉलर पर बैरल तक नीचे आ चुके हैं यस yes, 80 डॉलर पर बैरल दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ब्रेंड क्रूड प्राइसेस गोज डाउन इन्फ्लेशन पे जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है एंड इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े से कंट्रोल में आने के चांसेस और ज्यादा वहां पे बढ़ सकते हैं एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द रेट कट्स इंटरेस्ट रेट कट्स फ्रॉम देंट्रल बैंक और उसके लिए ब्रेंड क्रूड के प्राइसेस नीचे आना ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है यूएस के टेन ईयर जिससे गेल्ड इज एट अराउंड फोर पॉइंट टू फोर परसेंट इंडिया सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉच रखना जरूरी होगा ब्रेंड की स्पेसिफिकली मूवमेंट्स वगैरह कैसी होती है और होपफुली कोई जियोपॉलिटिकल टेंशनस के न्यूज जो है वो और ज्यादा सामने कहीं से ना आए तो ये सारे फैक्टर्स थोड़े से हमें एक्सपेक्ट करने होंगे वॉज रीडिंग कैसे यूएस का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड ऑर्डर में ये धीरे धीरे कम हो रहा है इंटरेस्टिंग न्यूज थी उसमें चार कंट्रीज के नाम लिए गए थे फर्स्ट वन इज चाइना रशिया इंडिया एंड ईरान ऑल्सो एंड इवन कोरिया में भी कोरिया को भी कंसिडर किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के एंगल से अबाउट दर्ल्ड ऑर्डर मतलब वी आर नॉट इस साइड या उस साइड बट आई थिंक जिस तरीके से ये मतलब बाइफकेशन हो रहा है यूरोप एंड यूएस वर्सिस एंड चाइना एंड अदर अलाय एंड वी आर काइंड ऑफ थोड़ा सा न्यूट्रल है वी आर ट्राइंग टू क्रिएट आर ट्रेड पोजिशंस क्वाइट वेल एंड टिल नाउ वी आर सक्सेसफुल ऑल्सो इन दैट सो लेट सी हाउ दीज थिंग्स गो अहेड बट डेफिनेटली अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना ये ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है सो so, देखते हैं अभी उसका इंपैक्ट ओवरऑल ट्रेड वॉर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे होता है अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों और इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव न्यूज ये है कि के आ चुके हैं मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के और नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है और काफी पॉजिटिव भी है सो so ईपीएफओ ने नए को जो ऐड किया इन ईपीएफओ मेंबर्स जो बने है, वो है million, कि हुए हैं हजार 2024 में और ये जो नंबर है हाइएस्ट है हाइय अप्रिल टू ये so, ऑलमोस्ट yeah, साल uh, के बाद ये नंबर इतना अच्छा नजर आ रहा है ईयर uh, जो नंबर ग्रोथ है है वो की इन नेट न्यू सब्सक्राइबर्स में थ्री पॉइंट टू परसेंट मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी यहां पे नजर आ रही है कंपेयर टू द टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर नंबर न्यू एनरोलमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यू मेंबर्स जो एनरोल हुए हैं Uh, वो अप्रैल के कंपैरिजन अप्रैल 2024 के कंपैरिजन में 10.9 परसेंट ऊपर है एंड मई 2023 के कंपैरिजन में 11.5 परसेंट ऊपर है 58.37 परसेंट ऑफ द न्यू मेंबर्स जो है वो उनका एज है बिटवीन 18 टू 25 सो दिस इज इंडिकेटिंग अ ट्रेंड ऑफ यंग एंड फर्स्ट टाइम जॉब सीकर वेरी पॉजिटिव साइन ये नंबर यहां से समझ में आ रहा है अप्रोक्सिमेटली वन मिलियन यानी कि फोर्टीन लाख मेंबर्स रिजॉइन हुए हैं uh, so ये जो इंक्रीज है ट्वेंटी मतलब आपने जौ, पहले जॉब जॉब लिया था फिर छूट गया तो ईपीएफओ में कॉन्ट्रीब्यूशन uh, नहीं हो रहा था फिर से आपने कोई जॉब ले लिया है तो वहां से आपको uh, मतलब फिर से आपका ईपीएफओ नंबर नम, जो है मेंबरशिप जो है वो एक्टिव हो गई है फीमेल मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो अराउंड 2.4 लाख न्यू फीमेल मेंबर्स यहां पे ज्वाइन हुए हैं इन द मंथ ऑफ मई 2024 थाउजेंड

जो टोटल हो रहा है वो है इलेवन पॉइंट थ्री लाख का सो ओवरऑल आई थिंक दीज नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट गुड सो पेरोल डेटा इज प्रोविजनल कंसिडरिंग कंटिन्यूअस अपडेट्स टू एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ये भी हमने यहां पे समझना जरूरी होगा सो so, कौन से वो सेक्टर्स से हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सपर्ट सर्विसेज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सिग्निफिकेंट मेंबर एडिशंस यहाँ देखे गए हैं सो आई थिंक ओवरऑल ये नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं आज इकोनॉमिक सर्वे का डेटा सामने आएगा तो वो भी कैसा रहेगा उसको भी एक एनालिसिस हम करेंगे आप लोगों के सामने रखेंगे और कल बजट आने वाला है तो वो भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट uh, रहेगा उसका भी एनालिसिस आप लोगों के सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश हम करने वाले हैं दोस्तों अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट के न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मेन मेन कंपनीज के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी सी यहां पे बात करते हैं सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं सो so, प्रॉफिट्स के जो नंबर्स आए हैं प्रॉफिट्स आर डाउन बाय फोर परसेंट एट सेवेंटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एट करोड़ रुपीज भले ही प्रॉफिट नीचे है बट रेवेन्यू जो है वो बारह परसेंट से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड द रिवेन्यू नंबर इज टू पॉइंट थ्री सिक्स लाख करोड़ सो की ड्राइवर्स क्या रहे इन रिजल्ट के लोअर रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग मार्जिन जो है इन द ऑयल टू केमिकल बिजनेस ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डाउन हुई है यहाँ पे ग्रोथ इन कंज्यूमर एंड अपस्ट्रीम बिजनेस अपसेट ओ टू सी अंडर परफॉर्मेंस यानी जो जियो का प्लेटफॉर्म्स है या फिर रिटेल है तो यहां से नंबर्स काफी अच्छे आए हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा ये जो ओटूसी बिजनेस का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको ऑफसेट किया है सो ओटूसी सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एबिटा के नंबर्स आर डाउन बाय 14.3 परसेंट द नंबर एबिटा नंबर फॉर ओ टू सी बिजनेस थर्टीन थाउजेंड नाइन्टी थ्री करोड़ रुपीज ये क्यों हुआ है ड्यू टू लोअर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूएल एंड केमिकल मार्जिन सेगमेंट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो एटीन पॉइंट वन परसेंट सेगमेंट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है एंड द नंबर इज एट 1.57 लाख करोड़ रुपीस ये मेजरली ड्राइव uh, हुआ है बाय हाइयर प्रोडक्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स ऑयल एंड गैस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू इज अप बाय 33.4 परसेंट ड्यू टू हायर वॉल्यूम्स एंड एबिटा नंबर इज अप बाय 29.8 परसेंट व्हिच इज एट 5210 करोड़ रुपीस अब कंज्यूमर बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे जियो प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं सो नेट प्रॉफिट इज अप बाय 11.7 5698 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट का नंबर जियो का रहा है एंड वी आर

और रिवेन्यू जो है वो परसेंट से यहाँ पे आप हुआ है, सो ओवरऑल कंज्यूमर बिज़नेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी है बट ओ सी बिजनेस जो है वहां पे अंडर परफॉर्म किया है एंड दैट्स वाई द प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स आर डाउन सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स आर डाउन अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की कोटक महिंद्रा बैंक के भी क्यू के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स कैसे उसको थोड़ा सा समझते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इज अप बाय 79 परसेंट एट 7448 करोड़ रुपीस अभी आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है नेट प्रॉफिट भी 81 परसेंट से बढ़ा है सिक्स करोड़ तो ऐसा क्या हो गया सो आई थिंक जो कोटक जनरल इंश्योरेंस का जो स्टेक बेचा है टू ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप तो ये वन टाइम गेन हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी जनरल इंश्योरेंस एंड दैट्स वाई ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा ऊपर नजर आ रहा है अगर ये इंश्योरेंस टेक सेल का प्रॉ नंबर हम बाजू में निकाल देते हैं

अब क्या है वो रीजंस जो इतने इम्पैक्ट कर रहे हैं रिजल्ट को सो so, आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस जो आए हैं उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ऑन इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स ये जो है दो रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने परफॉर्मेंस को अच्छा खासा एफेक्ट किया है सिग्निफिकेंट टेक इंप्रूवमेंट कंपनी लेने की कोशिश कर रही है विद सपोर्ट फ्रॉम एक्सेंचर ओरैकल सिस्को एंड इन्फोसिस दो इट विल टेक इट्स टाइम वो इमिडिएटली नहीं होगा ऐसा लग रहा है परफॉर्मेंस इंपैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो थ्री एरियाज अफेक्ट हुए हैं यहां पे ट्रांजिशन फ्रॉम डिजिटल टू असिस्टेड ऑनबोर्डिंग ये अफेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिज मतलब ये, ये uh, मतलब परफॉर्मेंस में एट वन वन बिजनेस जो ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग थी वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है एंड क्रेडिट कार्ड का बिजनेस तो ये तीन बिजनेस जो है उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे इम्पैक्ट किया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं सो मार्जिन फेल बाय 55 बेसिस पॉइंट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो नंबर है वो 5.02 परसेंट पे अभी नजर आ रहा है इंपॉर्टेंट exactly हो सकता है दिस इज नॉट गोइंग टू है इमीडिएटली ये भी समझना जरूरी होगा तो इट कैन टेक इट स्वीट टाइम यू हैव ऑलरेडी सीन मोर देन टीन मंथ क्रेडिट कार्ड इश्योस का जो रेस्ट्रिक्शन था वो एच एफ सी बैंक पे भी हमने देखा है और उसका इंपैक्ट हुआ है मार्केट शेयर लॉस होने में या फिर एक इन अवे मोमेंटम भी बैंक ने तब लूज किया था सो आरबीआई नॉट टेकिंग दीज काइंड ऑफ ग्लिचेस स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी सो लाइटली एंड दैट्स वाई दे आर स्ट्रगलिंग विद काइंड ऑफ रेगुलेशन बट आई थिंक फ्रॉम द डिपॉजिटर्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों और वो न्यूज है सेबी के कंसर्न्स रिगार्डिंग सर्जिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लियर एंड क्लियर इंडिकेशंस सेबी की तरफ से आ रहे हैं टू सेफ गार्ड द रिटेल इन्वेस्टर्स हमने ऑलरेडी देखा है कि जो पैनल ने एक सजेशंस दिए है कि पांच लाख से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा के पच्चीस लाख करनी चाहिए तो ये रिटेल ट्रेडर्स को सेफ कर सकता है उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सो so, माधवी बुज पुरी बुजी जो है जो सेबी की चीफ है उन्होंने बोला है कि एफेंडो के जो वॉल्यूम्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं सो so ये एक मैक्रो इशू है विच इज अफेक्टिंग इन्वेस्टर्स सेफ्टी सो नोटेबल लॉसेस सामने आ रहे हैं फ्रॉम दंग इन्वेस्टर्स हु आर वेंचरिंग इन टू एफ एंड ओ ट्रेडिंग हाउस होल्ड सेविंग्स आर बींग डायरेक्टेड इन टू स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज इंस्टेड इंस्टेड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि भाई इक्विटी कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड इट इज हेल्पिंग आर इकोनॉमी और बिजनेस टू ग्रो बिकॉज दैट कैपिटल दे आर यूजिंग फॉर मोर एंड मोर बिजनेस बट यहाँ पे हो रहा है exactly, एग्जैक्टली uh, उल्टा रादर देन फॉर्मिंग कैपिटल्स दिस पर्टिकुलर मनी इज गोइंग इन टू स्पेक स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज लाइक फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग एंड दिस इन दैट और जो टर्न uh, ओवर का डेटा आया है सामने वॉल्यूम ग्रोथ जो देखी गई है वो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है इंडेक्स ऑप्शंस के जो टर्नओवर है वो 140 लाख करोड़ के है इन 2024. 140 लाख करोड़ विज़ा विज़ 2018 में ये नंबर था 4.5 लाख करोड़ तो आप जस्ट इमेजिन करो मतलब 28 टाइम्स ज्यादा ये टर्नओवर uh, होना इन सिक्स इयर्स. दिस इज नॉट अ गुड साइन ओवरऑल डेरिवेटिव्स का जो टर्नओवर है वो भी 500 लाख करोड़ रुपीज तक इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 210 लाख करोड़ इन 2018 सो स्पेसिफिकली ऑप्शंस के जो नंबर्स है वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो हुए कंपेयर टू ओवरऑल फ्यूचर्स बिकॉज वो उसमें ज़्यादा प्रीमियम मतलब आपको मतलब पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है ट्वेंटी का अगर पैसा रखना पड़ेगा उसमें आपको मार्जिन रखना पड़ेगा तो वो ज़्यादा होता है। so उसके कंपैरिजन में में आई थिंक ऑप्शंस बताने वाला हूं ये तो बहुत ज्यादा मुझे इंडियन एक्सचेंजेस अकाउंटेड फॉर सेवेंटी ऑफ हंड्रेड बिलियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड वर्ल्ड वाइड इन टू मतलब 2023 में अगर 108 बिलियन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन ट्रेड हुआ तो उसमें सेवेंटी एट परसेंट ऑप्शन वेरी गुड साइन सो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जिस तरीके से स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी हो रही है ये जो पचास पचास हजार करोड़ रुपए के जो लॉसेस हो रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के आई थिंक दीज आर दीज आर दी रीजन फॉर दैट और ये टिपिकली मतलब दिस मनी इज गोइंग फ्रॉम लूजर टू विनर सो व्हाट सेबी बी इज ट्राइंग भाई ये सारी चीजें जो है ना ये इफेक्ट करेगी ओवरऑल हमारे इन्वेस्टमेंट uh, एक्टिविटी को और ओवरऑल uh, हमारे मार्केट्स को भी इन द ओवर द लॉन्गर होराइजन कैपिटल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ मैं जस्ट सेंसेक्स निफ्टी के लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो उस हिसाब से आई थिंक ये नहीं होना चाहिए एंड दैट्स वाई से बी इज गोइंग टू टेक अ लॉर्ड ऑफ डिसीजन इन द सेम वे एंड वही किसी भी का काम है सो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना ये सेबी का बहुत ज़्यादा एक काम होता है एंड ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स जिस तरीके से पैसा लूज कर रहे हैं सो नाइन आउट ऑफ टेन एफ एंड ओ ट्रेड ट्रेडर्स जो है रिटेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी सो दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइड सेबी ने पहले भी बोला था कि वी विल इंटरवीन एट राइट टाइम हमने जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो कंसर्न्स उन्होंने रेज किए थे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक वैल्यूएशन पे प्रथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस तरीके से ये कॉल्स लेते रहेंगे सो ओवरऑल नो रेगुलेटरी कंसर्न ऑन ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन करेंटली बट स्टिल दे आर वाचिंग दिस स्पेस क्वाइट क्लोजली तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है तो वॉट से बी इज ट्राइंग टू सजेस्ट टू या और रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स ये देखना बहुत जरूरी है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ट्रेडर्स uh, ने इन्वेस्टर्स ने बाकी और भी एक न्यूज आई है वो है जब से बैंक के रिजल्ट्स की उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने कवर किया हुआ है आप लोगों के लिए कंप्लीट रिजल्ट uh, का एनालिसिस प्रेजेंट uh, किया है रिजल्ट्स अच्छे भी है बुरे भी है अब अच्छे है अच्छे इसलिए है uh, कि प्रोविजंस के नंबर्स काफी कंट्रोल में आ चुके हैं बट कहीं कहीं uh, जो मतलब uh, ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ दिखनी चाहिए uh, उस, हिस, उस हिसाब से ग्रोथ नजर नहीं आ रही है Uh, so, I think uh, that is a concern. Uh, Deposit ski growth specifically is not at all there. सो uh, so वहाँ जब तक uh, अच्छी ग्रोथ के नंबर सामने नहीं आएंगे या uh, फिर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो जो अभी भी हंड्रेड परसेंट के ऊपर हंड्रेड एंड फाइव परसेंट पे उसको नाइन्टी परसेंट पर लेके जाना बहुत ज़रूरी है बट इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम बैंक इज़ ट्राइंग टू ओपन अराउंड फाइव थाउजेंड ब्रांचेस इन नेक्स्ट थ्री थ्री टू फोर ईयर्स सो आई थिंक वो एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है बट बैंक इज़ ऑन राइट ट्रैक टू अचीव दैट उसकी वजह से थोड़ा शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ सकती है एंड दट्स वाई हैव सीन कॉस्ट इनकम रेशियो आल्सो गोइंग अप एनपीए नंबर्स में वैसा कुछ अलार्मिंग नहीं है प्रॉब्लम बट कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर थोड़े से इंच एनपीए uh, के नंबर्स हुए हैं ग्रॉस एंड नेट तो वो एक वो भी एक छोटा सा कंसर्न अभी बोल सकते हैं नॉट अलार्मिंग बट राइजिंग एनपीए ट्रेंड्स इज नॉट अ गुड साइन रिजल्ट्स so uh, इतने एक्साइटिंग नहीं है अब मार्केट उसको कैसे एग्जैक्टली exactly रिएक्ट करता है कि भाई प्रोविजन कम हुए इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करे या फिर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जो है वो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए इसके लिए uh, थोड़ा सा गम मनाए तो ये सारी चीजें तो अभी मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेंगी हमें सो so, uh, और दोस्तों और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए हम थर्ड ऑफ अगस्त को एक इवेंट ले रहे हैं पुणे में जो फाइनेंशियल प्लानिंग वेल्थ मैनेजमेंट पे रहेगा तो ये इवेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटरेस्टिंग रहेगा ही बट अगर आप इन्वेस्टिंग uh, प्रोफेशनल uh, हो इन्वेस्टमेंट में प्रोफेशनल हो या उसमें आपका करियर चल रहा है और उसको एड ऑन कुछ स्किल्स आपको करने हैं सो so उस हिसाब से भी एक काफ़ी बढ़िया अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए रहेगी वी आर वर्किंग ऑन वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एम बट वो अंडर यू रहेगा वो कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स नहीं है समथिंग लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ टू ईयर कोर्स तो इफ यू वॉन्ट टू गेट अपडेट रिगार्डिंग दैट तो वो भी अपडेट्स आपको उस सेशन में मिलने वाले हैं अदरवाइज हम वो हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस ये तो हम बातें करते ही है वो भी करेंगे उस सेशन में प्लस उसका भी एक एक, एक डिस्कशन हम वहाँ पे करने वाले हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड को एज ए करियर लोगों ने देखना चाहिए सो so, आशा करता हूँ दोस्तों कि आप जरूर उस सेशन को भी अटेंड करोगे उस सेशन के जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं यू कैन बुक योर सीट सो इवेंट विल बी ऑन थर्ड ऑफ अगस्त इन थर्ड ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इन पुणे मॉर्निंग में ही रहेगा टेन टू वन तक वो इवेंट रहेगा सो uh, so आशा करूंगा कि आप जरूर इस इवेंट को ज्वाइन करोगे तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद